हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज मैं देखने वाली हूँ आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जो कि मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक है। ठीक है, तो फ्यूचर में क्या होगा वो तो हम देख ही लेंगे। सबसे पहले पास्ट और प्रेजेंट देख लेते हैं। अगर पास्ट और प्रेजेंट आपके साथ मैच करता है, रेजोनेट करता है, तो यकीनन फ्यूचर की एनर्जीज भी आपके साथ मैच करेंगी। ओपन माइंडेड होकर इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, पॉजिटिव निकले तो एफएम करना, नेगेटिव निकले तो इग्नोर करना। ठीक है, कार्ड्स आपके सामने शफल किए जाते हैं, इसलिए जो कुछ आता है वो आपके सामने ही आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अब जो भी आपका प्यार है, लव इंटरेस्ट है, चाहे उसके साथ आपका किसी भी टाइप का रिश्ता है, अगर आप दोनों एक रोमांटिक कनेक्शन में हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपको क्या करना है, सिर्फ अपने पार्टनर को याद करना है और इस वीडियो को पॉजिटिव होकर देखना है। सबसे पहले शुरू करते हैं, देखते हैं आपके रिश्ते का पास्ट कैसा था, कब मिले थे, कैसे मिले थे, क्या है, जो भी निकल कर आएगा आपके सामने आएगा। ठीक है, यूनिवर्स गाइड करें और मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं और उनके पार्टनर हैं, उनके पास्ट में क्या था, पास्ट की कहानी, ज़रा आपकी कहानी को ज़रा रिवर्स करते हैं और देखते हैं क्या था आपकी कहानी में, पीछे चलते हैं। पहला कार्ड निकाल लेते हैं, एस ऑफ कप्स। नेक्स्ट सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, द हायरोफैंट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, टू मोर कार्ड्स। सेवन ऑफ सॉर्ड्स एंड लास्ट कार्ड किंग ऑफ कप्स। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता दूं, इस रिश्ते में आने से पहले आपका दिल किसी ने तोड़ा था, कोई इंसान था जो कहीं ना कहीं, जिसने आपको थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड लिया था, थोड़ा सा आपके साथ मिसबिहेव किया था, प्रॉपर आपके दिल का और आपका ख्याल नहीं रखा था, जिस वजह से आप कहीं ना कहीं थोड़े से परेशान थे, आपके दिल में दर्द था। कहने की बात यह है कि किसी ने आपको धोखा दिया था, किसी अपने ने। अब यहाँ पर मैं ये नहीं बोल सकती कि ज़रूरी नहीं है कि प्यार में ही आपको धोखा मिला हो, लेकिन दिल ज़रूर दुखा हुआ था, किसी अपने ने, अपने के सताए हुए हो आप, चाहे प्यार में धोखा मिला हो, चाहे आपके खुद के लोग जिन पर आप भरोसा करते हो उन्होंने कुछ ऐसा किया हुआ हो, मतलब एक सैड एनर्जीज जिसमें आप थे, परेशानी में घिरे हुए थे, परेशानी में, मतलब इसको ठीक करूँ, इस चीज़ को ठीक करूँ, कि इस चीज़ को ठीक करूँ, मेरी लाइफ में हर तरीके से प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं किस किस को फेस करूँ, ऊपर से मेरे अपने मेरा दिल दुखा रहे हैं, मेरे अपने मुझे परेशान कर रहे हैं, काश कोई हो जो मुझे समझ पाए, काश हे ईश्वर, काश कोई तो मुझे मिले जिसके साथ मैं अपनी बातें शेयर कर पाऊँ, जो मेरे इस दिल को समझ पाए, जो मेरे इस दिल के दर्द को ठीक कर दे। ये फीलिंग थी आपकी। एंड देन क्या हुआ मैं बताऊँ, देन ये हुआ, ये महाशय आपकी तरफ आए। ठीक है, दो लोग ज़रूर दिख रहे हैं लेकिन पर्सन एक ही है। ठीक है, तो ये महाशय आपकी तरफ आए और पूरी तैयारी के साथ आए। दैट मीन्स एक मैच्योर पर्सन जो समझता है आपकी दिल के दर्द को भी समझता है, जिसने आपके दिल को के दर्द को समझा, आपको इस चीज़ से उबारा है एक्चुअली इस पर्सन ने। अगर किसी चीज़ में आप परेशान थे, चाहे आपका रिश्ता टूटा हुआ हो, ब्रेकअप हुआ हो, आप घर वालों के सताए हुए हो, आप कहीं के भी कुछ भी, आपको इमोशनल एक पेन ज़रूर होगा, उस वक्त इस पर्सन ने इस पेन को भरा है, आपको सहारा दिया है इस पर्सन ने, इस पर्सन ने क्लैरिटी दी है, एक इमोशनल, कहते हैं ना,
इमोशनल फुलफिलमेंट इस पर्सन के साथ आपको मिला है जो आपको नहीं मिल रहा था। एक पैशनेट तरीके से ये पर्सन आपकी तरफ आया है, एक ऐसी एनर्जी आपकी तरफ आई थी कि आपको लगा OMG ऐसा पर्सन मुझे मिल सकता है जो इतना केयरिंग, इतना लविंग, इतना मैच्योर, सारी चीज़ें समझता है, जिसको हर चीज़ की क्लैरिटी है, जिसको सब पता है लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है, जो मेरे को समझ रहा है, मेरे को सपोर्ट कर रहा है। और इस पर्सन के साथ आपने कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी फील किया, आपको लगा यही है वो मेरा सोलमेट, मेरा पार्टनर, मेरा स्पिरिचुअल पार्टनर। कुछ लोगों को ये भी फीलिंग हुई है कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, ये भी आप लोगों को कहीं ना कहीं फील हुआ है। तो ये पर्सन जो बहुत ही मैच्योर, अभी क्या एनर्जीज है आई डोंट नो, लेकिन जब आपको ये मिला आपको ऐसा लगा इतना मैच्योर पर्सन है, इतना समझदार पर्सन है, इसको पता है दुनियादारी का, इसको पता है मेरा, जितना मैंने खुद को नहीं समझा ये पर्सन ने मुझे समझ लिया। मैं खुद को आज तक अंडरस्टैंड नहीं कर पाया मुझे क्या चाहिए, इस पर्सन को पता है मुझे क्या चाहिए, और ऐसा ही ये पर्सन करता है। इस तरीके की थिंकिंग आपकी थी। एक गाना मुझे याद आ रहा है इस सिचुएशन में, एक फीलिंग था आप दोनों के बीच जो रिलेशनशिप बना, तो एक फीलिंग आपके मन में आई कि तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, ना हो तू दास तेरे पास पास में रहूँगा जिंदगी भर, ना हो तू दास तेरे पास पास में रहूँगा जिंदगी भर, सारे संसार का प्यार मैंने तुम्ही में पाया तू मिले। ये फीलिंग थी, इस पर्सन ने आपको ये फील कराया कि दुनिया की परवाह तू छोड़ दे, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं रहूंगा तेरे साथ। ये फीलिंग आ रही है एंड मेरा गला खराब है कल से, लेकिन उसके बावजूद मैं गाना गा रही हूँ क्योंकि मेरे माइंड में वो चीज़ें आ रही है। मैंने बोला ना, जब मैं रीडिंग करती हूँ ना मैं खो जाती हूँ उस चीज़ में, एंड जो जो चीज़ें मेरे आती है ना मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ ताकि आपके साथ मैं कनेक्ट कर पाऊँ। तो जो दर्द में आप थे वो दर्द से उस पर्सन ने आपको उबारा है और आपको ये भी बोला है कि मैं तेरे साथ हूँ और हमेशा तेरे साथ रहूँगा। ये पास्ट की एनर्जीज है इस पर्सन की। पास्ट में आपको ऐसा लगा कि ये मिल गया ना, सब कुछ मिल गया, वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम ना होंगे जुदा, ये मेरी धड़कने सुन रहा है खुदा, चाहे तुम्हें किस कदर मेरा दिल तुमको नहीं है पता, ये मेरी धड़कने सुन रहा है खुदा। ये वाली फीलिंग थी आपकी। आप दोनों ने एक दूसरे से वादा किया, देखो कुछ तो कॉल्स बताते हैं और कुछ मेरी कहते हैं ना कि एक इंसान को समझ में आ जाता है जब वो उस चीज़ से कनेक्ट होता है। तो ये सेंस था कि दुनिया जहाँ को आपने पा लिया इस पर्सन को मिलने के बाद, उस पर्सन ने भी आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ का एहसास दिलाया कि चाहे कोई तुम्हारे साथ हो ना हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। ठीक है, पास्ट ब्यूटीफुल था, ब्यूटीफुल था। हालांकि आप जब इस पर्सन से मिले थे थोड़े से परेशान से हुए थे, लेकिन पास्ट इसके साथ मिलने के बाद पास्ट आपका बहुत ब्यूटीफुल था। प्रेजेंट की एनर्जी जरा देख लेते हैं क्या है। ठीक है, देखो अगर गाना आपको नहीं अच्छा लगता ना सुनना तो उतना पार्ट स्किप कर दिया करो। मेरा जो है वो है, मैं नहीं छुपा सकती। अगर कुछ मेरे को निकल रहा है, अंदर से आ रहा है कि जस्ट किसी को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि फिर मैं ना अपना 100% दे नहीं पाऊँगी। अगर मैं ये सोचूंगी कि ये अच्छा नहीं लगेगा ये अच्छा लगेगा, उनको तो जो इंस्टेंटली आता है मैं बोल देती हूँ। ठीक है, मेरा गला साथ नहीं दे रहा उसके बावजूद। तो अब देख लेते हैं कि आप दोनों के रिश्ते का प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट में क्या चाल है आप दोनों के रिश्ते के। ठीक है, यूनिवर्स गाइड करें और मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं प्रेजेंट में उनके और उनके पार्टनर के रिश्ते के बीच क्या चल रहा है। पहला देख लेते हैं क्या कार्ड निकल कर आता है। 8 of Pentacles का कार्ड, दूसरा Page of Cups का कार्ड है,
द मैजिशियन का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, गड़बड़ है थोड़ा मेरा गला, फिर भी मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ. स्ट्रेंथ, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स. कुछ चीजें तो रुकी हुई दिख रही है, थोड़े इमोशनल लग रहे हो, ऐसा लग रहा है पास्ट की एनर्जीज भी ज्यादा हो, ऐसा लग रहा है अभी भी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है इस रिश्ते में. कम्युनिकेशन हो रहा है नहीं हो रहा है थोड़ा सा मैं आइडिया लेना चाहती हूँ. व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है भाई, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी आया है. बहुत इमोशनल लॉस हो, बहुत इमोशनल लॉस है, डेथ है यहाँ पर नीचे. कुछ लोगों का ब्रेकअप है, कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ है, वही जो रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा रिश्ता था, ब्यूटीफुल रिश्ता था, वहाँ पर चीज़ें ख़त्म हुई हैं कुछ लोगों की, सबकी नहीं हुई हैं. ज़्यादातर लोगों का ऑन ऑफ सिचुएशन है, कुछ लोगों का ब्रेकअप दिख रहा है यहाँ पर. लेकिन चाहे जो भी हो, ज़्यादातर लोग जो है ना यहाँ पर फाइव ऑफ कप्स की एनर्जीज में है, उनको लग रहा है बहुत कुछ खो गया है, बहुत कुछ खो गया है इस रिश्ते में. बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिख रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, परेशान हो रहे हो. हालांकि मेहनत कर रहे हो, खुद पर मेहनत कर रहे हो, खुद की यू नो स्ट्रेंथ पर भी काम कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद सेल्फ लव में आ रहे हो, एक क्लैरिटी भी लेकर आ रहे हो उस रिश्ते को लेकर, और उसके बावजूद इस पर्सन ने, जिस पर्सन ने आपके साथ एक वादा किया था साथ रहने का, या जिस पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपको यू नो एक ऐसा फील कराया था कि बस कहते ना तुम मिल गए तो सब मिल गया, वो वाली फीलिंग थी. लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन खो गया तो मेरा सब खो गया. इस फीलिंग में आज आप हो, ये पर्सन नहीं है, सेपरेशन है, या फिर जो चीज़ें मैं चाह रही हूँ इस पर्सन से वो चीज़ नहीं मिल रही है, तो मेरा सब कुछ चला गया. ये पर्सन मुझे नहीं मिला तो शायद मेरी ज़िंदगी में तो कुछ रंगत कोई रौनक रहेगी ही नहीं. ये फीलिंग में है, ये लोअर फीलिंग क्यों है, क्यों आप इतनी पास्ट के एनर्जीज में हो, उसकी पास्ट के बारे में सोच रहे हो बहुत ज़्यादा, यू नो बहुत ज़्यादा उस पर्सन को याद कर रहे हो, कहीं ना कहीं क्लैरिटी भी नहीं मिल रही है आपको कि मैं क्या करूँ, किस तरीके से इस रिश्ते को ठीक करूँ, किस तरीके से सब कुछ पहले जैसा हो जाए. बहुत इमोशनल हो रहे हो, क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पर, मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कहीं ना कहीं इस पर्सन को. स्ट्रेंथ है क्योंकि करने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ना कहीं अपने पोटेंशियल पर आपका ध्यान जा रहा है कि भाई जब आप वीडियोस देखते हो बहुत सारे या रीडिंग्स देख लो, एक होप मिलती है कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी है, और एक्चुअली में अभी भी बचा हुआ है, अभी सब कुछ खोया नहीं है, बचा हुआ है. लेकिन जैसे ही आप समझ जाओगे ना कि जो बचा है आप उसको दोबारा से ठीक कर सकते हो, रिश्ते में भले ही बहुत चीज़ें ख़त्म हो गई हो, लेकिन जो बची हुई है ना उस चीज़ को आप दोबारा ठीक कर सकते हो, कहीं ना कहीं समझ भी रहे हो और काम भी करना चाह रहे हो, लेकिन फिर भी उसी थॉट्स में रिस्ट्रिक्टेड हो, वही थॉट्स चल रहे हैं, वही पास्ट की बातों में लगे हुए हो. ऐसा था, हम दोनों मिलते थे, हम दोनों कितने खुश रहते थे, आज क्या हो गया, वो पर्सन मुझे इतना प्यार करता था, आज क्या हो गया, आज उस पर्सन ने क्यों मुझसे मुंह फेर लिया, आज वो पर्सन मुझे वो चीज़ क्यों नहीं देता जो पहले मेरे लिए करता था, ये वाली फीलिंग हो रही है. और उस चीज़ को सोच सोच के इमोशनल होए जा रहे हो, उस चीज़ को सोच सोच के फालतू का डिप्रेशन ले रहे हो कि कितनी मेहनत की है मैंने इस रिश्ते में, कितना काम किया है, कितना एफर्ट डाला है, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला. शायद कभी तो फ्यूचर में, कभी तो चीज़ें बदलेंगी, कभी तो मेरा भी टाइम आएगा, इस तरीके की थिंकिंग आप सोच रहे हो. इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हो, बहुत इमोशनल हो रहे हो, काम भी कर रहे हो अपने आप पर, मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद पास्ट की यादों में जब आप जाते हो ना तो बहुत इमोशनल हो जाते हो. अपने पर्सन को कहीं ना कहीं स्टॉक भी कर रहे हो, उसकी बहुत एक्चुअली
बहुत उसकी यादों से घिरे हुए हो, चाह कर भी कोशिश करते हो उनकी यादों से निकलने की, लेकिन चाह कर भी उस पर्सन की यादों से आप निकल नहीं पा रहे हो, ये हाल मुझे दिख रहा है। तो हाल तो इस वक्त आपके बहुत बुरे हैं, हालांकि काम कर रहे हो, मैं फिर भी बोलूँगी काम कर रहे हो, अपने आप को संभालते हो, गिरते हो उठते हो, फिर गिरते हो फिर उठते हो, ये वाली सिचुएशन है। ऐसा भी नहीं है कि बस मैं रो ही रही हूँ या फिर रो ही रहा हूँ, मैं कुछ कोशिश नहीं कर रहा, बिल्कुल कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद वो पर्सन दिमाग से नहीं जा रहा, दिमाग से उसकी यादें नहीं निकल रही। तो एनर्जीज थोड़ी सी आपकी गड़बड़ लग रही हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी एक होप आपके अंदर अभी भी है और आप में वो पोटेंशियल है कि इस समय को आप बदल सकते हो फ्यूचर में। आज समय आपके फेवर में नहीं है, लेकिन ये समय आपके फेवर में ज़रूर आएगा, ऐसा आप मानते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको खुद पर भी और इस रिश्ते पर विश्वास है। फिलहाल तो इस एनर्जीज़ को देखकर मुझे यही, मैं बोलूँगी कि एक यही चीज़ याद आ रही है एक, कि खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारी बिन दीवानी का क्या हाल है, दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक पल जैसे 100 साल है। यहाँ पर ना पेंटिकल्स के कार्ड भी बहुत मिले हैं, 8 of Pentacles, 4 of Pentacles एंड 6 of Pentacles, जिससे मुझे ये सेंस आ रहा है, अगर आप खासकर लड़के हैं तो, कि कुछ लोगों को शायद इस वजह से मना किया गया है या सेपरेशन दिया गया है, या इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल्स बन रहे हैं। मदर भी हो सकती है उनकी, जो भी आपकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, उनकी मदर की वजह से पहली चीज़ जो मुझे दिख रही है कि एक सेपरेशन, एक ऑब्स्टिकल्स बन रही हैं। दूसरा कुछ इस तरीके की आपके साथ शर्त रखी गई है कि नौकरी होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, प्राइवेट नौकरी है तो गवर्नमेंट नौकरी होनी चाहिए, तब जाके शादी करेंगे। ये मुझे देखो सेंस आ रहा है, मुझे ऐसी फील आ रही है, इसलिए मैं पूरा बताऊँगी, क्योंकि मैंने बोला मैं को जो लगता है मैं बताती हूँ। तो कुछ लोगों के लिए ये भी है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ज़बरदस्ती का बोल दिया है, भाई आप गवर्नमेंट जॉब नहीं करते, भाई आपकी आपका स्टेटस हमारे बराबर नहीं है, खासकर मदर टांगड़ आ रही है। इस तरीके की मुझे एनर्जीज मिली, मैंने आपको बता दी, ठीक है। लड़की भी हो तो भी स्टेटस का इशू देकर, हवाला देकर, कुछ भी देकर मदर कुछ ना कुछ यहाँ पर इशू पैदा कर रही है, या फिर ज़बरदस्ती का मतलब पैसों को ज़्यादा लग रहा है मुझे, लेकिन ज़बरदस्ती का इशू क्रिएट किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ज़्यादातर मुझे यही लग रहा है, अगर बॉयज़ दो आप ना, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप उस हिसाब से आपकी जॉब नहीं है, उस हिसाब से आपकी करियर नहीं है कि हम आपको शादी करें, ये मुझे लगा इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। और आपकी हालत पता है क्या है, वही वाली बात है, दिन रात इस पर्सन को स्टॉक कर रहे हो, दिन रात इसके मैसेजेस देखते हो, इसकी तस्वीरें देखते हो, और पास्ट मेमोरीज में रह रहे हो, ऐसे ही आपकी रातें और आपके दिन गुजर रहे हैं, वही वाली बात है। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे, मौसमी ना समझो पर इश्क को हमारी नजरों के सामने में आता नहीं, तुम्हारी मगर रहते हो हर पल मंजर में तुम हमारे, है इश्क से जो मिला फिर दर्द से क्या गिला, इस दर्द में जिंदगी खुशहाल है, ये दूरियां फिलहाल है, दूरियां फिलहाल है। मुझे समझ में आ रहा है, पता नहीं क्यों मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, इसलिए गा रही हूँ, जब मैं इमोशंस में आती हूँ ना तो मैं अक्सर ना गुनगुनाने लगती हूँ, ये मेरा स्ट्रेस, मतलब कहते हैं ना कि जब आपको अपनी फीलिंग्स या अपने आप को स्ट्रेस फ्री करना होता है ना, तो ये मेरा तरीका है अपने आप को स्ट्रेस फ्री करने का। और
मैं क्यों इमोशनल हो रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हालत ख़राब है। यहाँ पर रियल लव है, ट्रू लव है, लेकिन नज़र लगी हुई है इस प्यार को। दो लोग जो प्यार करते हैं, इस प्यार को नज़र लगी हुई है। फालतू की मेंटलिटी लोगों की, पैसा, नौकरी, स्टेटस, इन चीज़ों की नज़र लगी हुई है। और आपकी रातें बीत रही हैं इस पर्सन को याद करते करते, इस पर्सन की तस्वीर को देखते देखते, और इसी उम्मीद के साथ कि शायद कभी चीज़ें ठीक हो। आई डोंट नो, लेकिन ये हो रहा है। ठीक है, आई विश कि फ्यूचर अच्छा निकले। देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। तो अब हम देख लेते हैं आप दोनों के रिश्ते का फ्यूचर क्या है। पास्ट बहुत अच्छा था, प्रेजेंट ने थोड़ा सा हमको इमोशनल कर दिया। प्रेजेंट में थोड़ा सा सिचुएशन अच्छा नहीं है, है ना। पास्ट बहुत खूबसूरत, तो फ्यूचर भी क्या वैसा ही होगा जैसा पास्ट था? क्या आप दोनों का रीयूनियन होगा, मैरिज होगा? किस तरीके के कार्ड्स निकल कर आते हैं फ्यूचर एनर्जीज में, देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और मुझे बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं और उनके जो पार्टनर हैं, उन दोनों का फ्यूचर में रिलेशन कैसा रहेगा। पहला कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, गुड। दूसरा कार्ड एट ऑफ वॉन्स, तीसरा कार्ड किंग ऑफ कप्स, नेक्स्ट कार्ड नाइन ऑफ वॉन्स, नेक्स्ट कार्ड पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्स, एज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर दो कार्ड्स आ गए इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ, अगर आना होगा दोबारा आ जाएगा। ठीक है, एक पॉजिटिव कार्ड था, एक नेगेटिव कार्ड था, आना होगा दोबारा आ जाएगा। मैं देख लेती हूँ, लास्ट दो कार्ड और निकालूंगी। टू ऑफ कप्स एंड लास्ट कार्ड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एक चीज़ बता दूँ, ये वक्त ज़रूर बदलेगा। ये जो वक्त था ना, वही घूमकर वक्त आने वाला है। यानी कि जो पास्ट था, उस पास्ट को आप दोबारा जीने वाले हो। बहुत लोगों की ना, पता है क्या इच्छा है यहाँ पर, मैं आपको बताऊँ जो सेंस कर पा रही हूँ। बहुत लोग ये इच्छा रखते हैं कि काश वो समय दोबारा आ जाए, काश जिस तरीके से हम मिले थे, जिस तरीके से वो पर्सन मुझे पैम्पर करता था, जिस तरीके से वो अपना इमोशंस मुझे दिखाता था, मुझे समझता था, मुझे एडमायर करता था, मुझे यू नो प्रपोज करता था, अपने इमोशंस मेरे लिए एक्सप्रेस करता था, काश वो समय लौट कर आ जाए। और मैं आपको बता दूँ, वो समय लौट कर आ रहा है। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, ये पर्सन का कम्युनिकेशन आपको मिलने वाला है बहुत जल्द, बहुत जल्द इस पर्सन का कम्युनिकेशन आपको मिलने वाला है। कार्ड्स आपके सामने निकाले हैं मैंने, ठीक है, ऐसा नहीं है। एक चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि हमेशा पॉजिटिव ही क्यों आती है रीडिंग आपकी। तो भाई ऐसे ही है, ऐसा है कि कार्ड्स आपके सामने निकले हैं, तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, है ना। अगर कार्ड्स आपके सामने नहीं निकाले होते, अलग से पहले से ही निकाल के रख लिए होते, तो हम बोल भी सकते थे कि हमने तो पहले से निकाल दिए क्योंकि हमें कहानी बनानी है। अब कहानी बन जाती है, हाँ, इंटेंशन हमारा ये ज़रूर होता है कि एक खूबसूरत प्यारी सी कहानी बनकर आए, जो सच्चाई बन जाए आपकी ज़िंदगी में, फ्यूचर उस हिसाब से हो जो हम क्रिएट करना चाहते हैं। यही तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोलते हैं कि फ्यूचर लिखो जो आप चाहते हो। तो हमारा इंटेंशन ये होता है कि फ्यूचर ब्यूटीफुल निकले, और वो कनेक्शन हमारे कार्ड्स के साथ, हमारा इंटेंशन जब जुड़ जाता है, कनेक्ट हो जाता है, तो कार्ड्स भी ब्यूटीफुल आ जाते हैं। ये होता है, ठीक है। तो आप देखिए, पास्ट की एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुल आई थी, यकीनन लोगों का पास्ट ब्यूटीफुल था। जब आप उस पर्सन के साथ मिले थे और एक रिलेशनशिप में आए थे, तो वो ब्यूटीफुल चीज़ें थी, ठीक है। प्रेजेंट में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यकीनन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो है, या फिर प्रेजेंट में चीज़ें ठीक नहीं है, अदरवाइज वीडियो ही नहीं देखेगा कोई, इसलिए मैच भी कर रही है। अब फ्यूचर में, क्योंकि हमने इंटेंशन डाला है कि भाई फ्यूचर की अच्छी एनर्जीज आनी चाहिए, ताकि आप क्लेम भी कर पाएँ इस चीज़ को, और एक होप भी हो, आप मैनिफेस्ट भी कर पाएँ,
है ना। तो देखो कार्ड्स आपके सामने शफल किए हैं, कार्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल आए हैं, ठीक है। तो किंग ऑफ कप्स है यहाँ पर, ये पर्सन दोबारा से वही फीलिंग, वही केयर, वही लव आपको देने वाला है, इस रिश्ते पर काम करने वाला है। आप दोनों ही इस रिश्ते पर काम करोगे, आप भी कहीं ना कहीं इस रिश्ते में, अगर आपको लगता है कि आप अपने 100% एफर्ट्स नहीं डाल पाए, आप भी इस रिश्ते पर काम करोगे, दोनों मिलकर इस रिश्ते पर काम करेंगे, दोनों मिलकर अपनी जो पास्ट की जो गलतियां हैं ना उनको सुधारेंगे और दोबारा से इस रिश्ते पर काम करेंगे। फ्यूचर में ये आ रहा है, ये पर्सन भी आपको कहीं ना कहीं दोबारा से वही चीज़ें, वही बातें करने वाला है आपसे, आपको प्रपोज़ भी करने वाला है, आपको आपको दोबारा से ऐसा फील करने वाला है कि यस दिस पर्सन, ये पर्सन जो है आपका सोलमेट है, ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट है, इस तरीके से फीलिंग एंड इक्वल गिव एंड टेक और बैलेंस को भी ये कार्ड दिखाता है कि आपके रिश्ते में जो एक बैलेंस डगमगा गया है ना, जिसकी वजह से आज आप थोड़ा सा सफ़र कर रहे हो, ये बैलेंस आने वाला है। ये पर्सन आपको वो प्यार, इज्जत, सम्मान जो भी आप चाहते हैं ना, ये पर्सन आपको देने वाला है। उस रिश्ते की न्यू बिगनिंग दिख रही है, कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है, ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, फ्यूचर ये है, फ्यूचर ये है, वक्त का पहिया घूमेगा और दोबारा से वो चीज़ें आप मिस करते आए हो इस रिश्ते को लेकर, वो चीज़ें इस रिश्ते में आने वाली हैं। ये पर्सन को रियलाइज़ होगा, आपकी कमी का एहसास होगा, क्योंकि आज आप दुख में हो, तो कहते हैं ना कि जब एक साइकिल पूरी होती है, आज आप थोड़ा सा अपना कर्मा फेस कर रहे हो, तकलीफ़ में हो, और ये चीज़ों से जब आप बाहर निकलोगे, जब मैंने आपको बोला था कि आप स्ट्रेंथ कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो मैनिफेस्टेशन क्या करेगा, वो टाइम, ऐसा टाइम लेकर आएगा कि जो पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहा, वो पर्सन आपकी तरफ आएगा और इमोशंस लेकर आएगा और मेहनत भी करेगा और उसको वो प्रपोज़ भी करेगा, उसको रियलाइज़ भी होगा कि आप उसके सोलमेट हैं और वो उस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक भी करेगा। अंजाम है ये मेरा, होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी दूरियां फिलहाल है। तो अंजाम यही है इस रिश्ते का कि आप दोनों को एक होना है, एक होना है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। कार्ड्स आपके सामने निकाले गए हैं, कोई भी नेगेटिव कार्ड आपको दिखा नहीं, क्योंकि हमने पहले ही इंटेंशन ये दे रखी थी कि हमें पॉजिटिव चाहिए अपना फ्यूचर, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो इस रिश्ते को पाना, इस इंसान को पाना, और आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हो प्रेजेंट की एनर्जीज़ में। दैट मींस आपका मैनिफेस्टेशन, अगर शादी के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, रीयूनियन, जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला। ये पर्सन इन फ्यूचर आपके पास, नियर फ्यूचर में आपके पास आ रहे हैं। आप दोनों का रीयूनियन इस इस रिलेशनशिप में आप दोनों का रीयूनियन ज़रूर हो रहा है। तो फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। तो अगेन मैं बोलूँगी कि बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स निकल कर आए हैं, बहुत ही प्यारे कार्ड्स निकल कर आए हैं, और इतने प्यारी रीडिंग और इतने प्यारे कार्ड्स निकल के आए हैं कि ख़राब गले में भी जहाँ मुझे कट कट करके वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि बार बार मुझे खांसी आ रही है, उसके बावजूद भी जो फीलिंग आई, जो गाना आया, जो चीज़ें भी आई, मैंने बिंदास बोलने की कोशिश की है ताकि एक भी चीज़ मुझसे मिस ना हो जाए। अगर यूनिवर्स मेरे थ्रू आपको कुछ कहना चाहता है तो कहीं मैं वो उस चीज़ को मिस ना कर दूँ। तो मैंने पूरी कोशिश की है एंड आपको भी होपफुल रहना है, होप नहीं खोना है। आज जो भी सिचुएशन हो आपके रिश्ते का, प्लीज़ ट्रस्ट रखिएगा यूनिवर्स पे, क्योंकि फ्यूचर में सब कुछ ठीक ज़रूर होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।